एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है संजय जी का, वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार के पक्ष में आप ये कह रहे हैं। एक बात को याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि बगैर इतिहास के हिंदुस्तान की राजनीति कंप्लीट नहीं हो, और इतिहास के पन्ने हमेशा पलटे जाएंगे जब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। इतिहास भी खोला जाएगा। एक बार नहीं कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास भी खोला जाएगा। एक बार भी किस चीज के लिए? आज अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इलेक्शन पे। आप इतिहास वो कब की बात करना चाहते हैं? अपने बाबा आदम के जमाने की? रिलेटेड है ना। अरे बात करिएगा उसकी। अभी आपके सामने सवाल है कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस देश का के साथ जो कर रहे हैं, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आपकी पार्टी करती थी, वो राज आप फिर से लाना चाहते हैं? वो जंगल राज आप लाना चाहते हैं? वो अराजकता लाना चाहते हैं आप? जंगल राज के बहन देखिए, अभी आप आज में जीए, आज में जीए। गए नेताजी जो कहते थे कि लड़के लड़कों से। सुनिए ना खान साहब, अरे खान साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा खान साहब? बार बार परीक्षा में अगर आप फेल हो जाएं तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि कहां पर आपसे गलती रह गई, कहां आपने पूरा सिलेबस अपना नहीं किया था, उस तरह की तैयारी आपकी नहीं थी। या आप कहेंगे कि वो बगल वाला उसने मेरे को अपने मतलब, या वो कहेंगे कि मतलब उस पर हार का ठीकरा आप फोड़ देंगे अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं यही नतीजे भी कल आते हैं, यही नतीजों में भी तब्दील होते हैं, तो आप कम से कम मंथन करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे कि भैया कहां गलती रह गई, या दूसरे पे ही हर बार ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कभी ईवीएम पर, कभी मीडिया पर, कभी एग्जिट पोल खराब है, ये फैंटेसी पोल है, और ना जाने क्या क्या। अगर अगर हम हारेंगे 22 में, हम हारे, हमने हार स्वीकार की, हम विपक्ष में बैठ के इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कल नतीजे आने दीजिए, हम हारेंगे, हम खुद स्वीकार करेंगे आपके सामने बैठ कर कि हम हार गए। मगर अगर कुछ सवाल है उसके जवाब ये चंद्र प्रकाश साहब नहीं, मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि आडवाणी साहब गलत है। धन्यवाद खान साहब, आपने कहा तो कि कल हारेंगे, हार जाएंगे तो मान लेंगे। संजय जी आज ही आप चाहते हैं कि मान ले, कल तक नतीजों का तो इंतजार करें। मैं साधुवाद देता हूं, कल तक के नतीजों का तो इंतजार कर लीजिए। ये एग्जिट पोल ही नतीजे हैं, या तो ये कह दीजिए तो मान लेते हैं हम। जब आप लोग यही चाहते हैं कि यही रियल नतीजे, हर तरफ यही बात हो रही है कि नतीजे हो गए, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे, क्या करना है ये तो बात हो रही है। अगले तो वो तो सिद्धार्थ जी की पार्टी तो तैयारी भी शुरू कर चुकी है। आप देखिए बैठकों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, उन पर भी मैं आऊंगी। हाँ। लेकिन नीतीश जी भग गए, कल जाने वाले थे, आज चले गए, 6 बजे की फ्लाइट है, तो ये क्या हुआ ये देखिए जरा। कई बार संजय जी को मिल लीजिए जरा उन्हें भाई। जो नीतीश कुमार जी को कल जाना था, शाम को जाना था, प्रधानमंत्री जी से मिले, बिना अमित शाह से मिले, चल दिए आज शाम को 6 बजे। ये क्या हुआ अभी? 4 बजे का वक्त उन्होंने मांगा था, 4 बजे का वक्त मांगा था, लेकिन 6 बजे की फ्लाइट की टिकट करा लिया। लेकिन मान जी देखिए क्या है देश का दुर्भाग्य, ये कह रहे अभी चंद्रमोहन जी कि भाई आप उनकी बात मत करो, आडवाणी जी की, इतिहास की बात मत करो। उत्तर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की बात करते करते 10 साल निकाल दिए। उत्तर दिया आपको, नेहरू की बात दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे इंदिरा ऐसा, नेहरू ऐसा, इंदिरा ऐसा, उत्तर दिया आपको सुनाई नहीं दिया। पटेल होते तो ये होता, वो होते तो ये होता, नरेंद्र मोदी जी होकर के क्या करेंगे, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया, 10 सालों में नहीं बताया, इस चुनाव में भी नहीं बताया कि अगले 5 साल का मेरा क्या जानना चाहते हैं क्या। अब सिद्धार्थ भाई बैठे हैं तो स्वाभाविक है उस विजन को यहाँ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का निर्माण तो करना है, उनको बताना तो है कि हमें क्या करना है। भाई देश की जनता 5 किलो पे है, 5 किलो पे चलती रहेगी, ना उसके लिए रोजगार करेंगे, ना व्यवसाय करेंगे, ना शिक्षा देंगे। बताना सिर्फ उनको नहीं है, बताना आपको भी है। पुरोहित जी, पुरोहित जी मैं आ रही हूँ, सिद्धार्थ जी, पुरोहित जी बताना तो आपको भी है कि नतीजे कल कुछ भी हो, आपके पक्ष में हो या ना हो, पर INDIA का क्या होगा साहब, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। परखचे अभी से उड़ा है हिमानी जी, अभी मेरे बयान के ऊपर इन दोनों ने अजीब अजीब टिप्पणी की, मैं बोलता नहीं, बीच में आपको सुनना नहीं चाहिए था ये बात, या मुझसे पूछना चाहिए था। एक तो कह रहा है मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने किसको गाली दी, मैं कौन सी जनता को गाली दी, आप जबरदस्ती बेहुदा बातें करते हो टीवी नहीं, आप लोगों की तरफ से राक्षस कहा गया था ना, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था। राक्षस नहीं, मैंने बोला क्या राक्षस? अरे आपने नहीं बोला सिर्फ। मैंने कहा जो विपक्ष की सोच है विपक्ष, हाँ तो कैसे मेरे लिए कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ करके गाली दी बेहूदा बात करे टीवी पे बैठ करके। मैंने कहा विपक्ष को प्रश्न उठाने का अधिकार है कल तक, अरे यार ये कहा मैंने, राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष होता है, इसीलिए मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है देश के अंदर। और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नेशनल पेपर है ये, छोटा पेपर नहीं है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, 10 पूर्व सीएम के बेटे बेटियों को टिकट, क्या वाकई बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये बड़ा पेपर है हिंदी का, बहुत बड़ा, आप चाहो तो नाम ले दो, आप चाहो तो नहीं लो, एथिक्स के कारण दूसरे चैनल पे दूसरा नाम ले लिया जाता है। कुछ और है, ये आप नैरेटिव की बात कर रहे हो, ये अजीब अजीब नैरेटिव।
कुछ और ये बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, अगर वो 295 जो आंकड़ा राहुल गांधी जी दे रहे हैं उसमें रायबरेली वायनाड है कि नहीं है ये भी बता दीजिए जरा। देखिए रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी जीत रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और जो आंकड़े की बात है, मैं इन औरों की जैसे कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूँ। कल अगर हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार, जीतेंगे तो भी जनता को नमस्कार। और जो ईवीएम की बात आप बार बार कर रहे हो, ईवीएम के लिए मैंने पहले भी कहा विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो साल भर दो साल पहले से आप अपनी तैयारी करते। स्थानीय चुनाव जो विपक्ष की सरकार है उसमें पंचायत स्थानीय निकाय बैलेट पेपर से कराते, जब प्रेशर बनता आंदोलन करते, सड़क पे आते। अब चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त हो गई है, जब इस प्रकार के कोई प्रश्न उठाने का चित्ते नहीं है, कल जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और आप जो कह रहे हो इंटरव्यू इंस्पेक्शन का, करना चाहिए मंथन कि भाई क्यों आ रहे हो आप सड़क पे, क्यों नहीं आ रहे इतने मुद्दों के बाद। आजाद भारत की सबसे फेल सरकार को आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो, क्योंकि आप सड़क पे नहीं आ रहे, जनता के बीच नहीं जा रहे। ये सब कल के बाद डिस्कशन होगा हिमानी जी, कल क्या परिणाम आते हैं उसके बाद। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी ने कह दिया कि भैया अगर हम जीतते हैं तो भी ठीक जनता को नमस्कार, और अगर हम हारते हैं तो भी जनता को नमस्कार। अब ये कौन सा वाला था नमस्कार भैया, नमस्कार ये कौन सा वाला कि चलिए भाई जी जो कह रहे हैं वो पार्टी से थोड़ी दूरी बना। लेकिन जिस तरह से जो आरोप आ रहे हैं वो तो जनता के विवेक पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके से आ रहे हैं ना बयान तो जो आ रहे हैं, ये किसी पार्टी पर प्रश्न नहीं है, भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूरी राजतंत्र पर, पूरे शासन तंत्र पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर डीएम बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था फेल हो चुकी है। यहां तक कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां के भी डीएम अमित शाह का फोन ले रहे हैं, वहां के भी डीएम उनसे पूछ के और जाके ईवीएम में कुछ घुमा दे रहे हैं। मतलब पैरानोइया है, ये बीमारी है। आप इस तरीके से करके देश का नुकसान कर रहे हैं, और देश का ही नहीं अपना तो भी नुकसान कर रहे हैं, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस विशेष साइकिल में फंस चुके हैं। एक सवाल आ रही हूं खान साहब, सवाल ले लीजिए। हाँ आप ही से चंद्र प्रकाश जी से ही। अच्छा ठीक है पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि हमें डीएम सीएम, हमें सीएम को भी इंक्लूड कर रहा हूं, कुछ स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है वहां शक है कि ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के नीचे डीएम है, गड़बड़ी कर सकता है। सुन लीजिए कंप्लीट करने, तो आप भी अगर आपको लग रहा है कि बंगाल में ममता गड़बड़ी कर सकती है तो आप भी चुनाव आयोग से कह दीजिए। अब कहां मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत करने का तो अधिकार चुनाव आयोग से। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि केंद्र में ऑब्जर्वर भेजा, नीचे डीएम है, सीएम भी है, राज्य सरकार है। हम कह सकते हैं, ममता बनर्जी भी कर सकती है, आप भी कह दो कि ममता बनर्जी पे नजर रखो। अगर हम कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां थोड़ी खास चुनाव आयोग कहते ठीक है भाई हम जो अनुकूल एक्शन होगा वो लिया ले रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी की आप आशा 2022 से उत्तर प्रदेश, एक बार कंप्लीट कर लें। हाँ 2022 से उत्तर प्रदेश में आपकी ये समाजवादी पार्टी की नौटंकी हम देख रहे हैं कि ये जहां जहां मतगणना केंद्र होता है उसके बाहर ये लाठी लेके इनके लठैत खड़े होते हैं। उनको पुलिस पे व्यवस्था नहीं पे विश्वास नहीं, उनको अर्धसैनिक बलों पर विश्वास नहीं, वो लाठी लेके खड़े होते हैं। अच्छा जब संदेश भी जारी किया गया है, संदेश भी जारी किया गया है, और जब हार जाते हैं फिर ये कहते हैं ईवीएम खराब है। तो या तो आपके लठैत खराब है या ईवीएम खराब है, आपके अपने लठैतों की जांच कराइए पहले। हर चुनाव में ये तमाशा हो रहा है, हम लोग 2017 से देख रहे हैं ये तमाशा, जनता के मन में शक। अच्छा, देखिए